अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, आप भी खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद मरियम के साथ खुश आमदीद यूट्यूब फैमिली को। और आज जी संडे का दिन था, मैंने सोचा बच्चों के लिए कोई मज़ेदार और स्पेशल किस्म का कोई नाश्ता बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो छुट्टी वाले दिन वैसे भी बच्चे सारे सोए होते हैं और लेट उठते हैं, तो ये जी मैं सोचा मैंने मटन कौरमा बनाती हूँ। उसके लिए मैंने ये 5-6 प्याज हरी मिर्चें थी, ये इसमें इसमें दरदरा सा कूट रही हूँ मोटा मोटा सा, और ये हरी मिर्च मैं उसमें कौरमे में डालूँगी। तो ये कौरमे की तैयारी मैंने शुरू की। और ये जी हाँ, ये मैंने 1 किलो के करीब मटन था, हड्डी वाला गोश्त था ये, और इसको धो के अच्छी तरह से मैंने हश कर लिया था, पानी इसका निकाल लिया था। पाव ये दही था, नमक, सूखी मेथी और सूखा धनिया, जायफल जावित्री, लाल मिर्च और हल्दी डालते हैं इसमें। और ये जी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें, 5-6 हरी मिर्चें, और ये कुछ साबुत गर्म मसाले थे जो मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये 1 किलो के थोड़े से कम प्याज है, और इनको मैं बनाऊँगी। ये टिक्का सीख कबाब था, ये इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर करेगा। और मैं कुछ अलग हट के मज़ेदार किस्म का कौरमा बना रही थी। ये जी प्याज मैं अब डालूँगी और प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी। इसी देसी में मैं डालूँगी आयल, और इसी में मैं प्याज को ब्राउन करूँगी, और इसी में मैं कौरमा पका लूँगी। ये जी प्याज मैंने ब्राउन कर लिया, और इनको मैं हुशक ठंडा करूँगी। तो ठंडा करने के बाद मैं चले जी शुरू होते हैं हम कौरमा भी बनाना शुरू करते हैं। तो ये जी मैंने इसमें थोड़े से प्याज रख छोड़े हैं, थोड़े से आगे ये जब मटन में फ्राई करूँ तो इसमें अच्छा टेस्ट का आ जाएगा। ये इसमें मैंने जो गर्म मसाले थे, खड़े गर्म मसाले, ज़ीरा, काली मिर्चें और जायफल, बादियान का फूल, दालचीनी, लौंग और काली बड़ी इलायची जो है, ये सब डाल के मैं इसमें थोड़ा सा इसको दरदराऊँगी, हल्का सा गरम करूँगी, और इसमें मैं साथ ही मटन डाल दूँगी। ये हड्डी वाला मटन था, और हड्डी वाला मटन ज़्यादा मज़े का और टेस्टी बनता है। ये जी इसको मैं इसके साथ, अब ये देखिए कि नीचे लग रहा है, तो इसके लिए मैं ये करूँगी कि इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी। नमक डालने से ये होता है कि आयल में आपका जो भी आप गोश्त वगैरह भुनेंगे वो बिल्कुल नहीं नीचे लगेगा। थोड़ा सा बस आप नमक डाल दिया करें गरम आयल में, तो इस तरह ये होगा कि आपका गोश्त बिल्कुल नहीं चिपकेगा हंडिया के साथ, देशकी वगैरह के साथ, किसी भी चीज़ में, कोई भी कढ़ाई हो, कुछ भी हो, उसमें आप इस तरह थोड़ा सा नमक डाल दें और आपका गोश्त नीचे में नहीं चिपकेगा। ये इसको थोड़ा मैं 3-5 सेकेंड के लिए इसको भूनूंगी अच्छी तरह से, ताकि इसका कलर जो है चेंज हो जाए, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। 5-6 सेकंड के लिए मैं इसको 5-6 सेकंड के लिए इसको भूनूंगी थोड़ा सा, और साथ उसका भी फ्लेवर आ गया अभी इसमें। और ये इसमें मैंने हरी मिर्चें जो मैंने कूटी हुई थी मोटी मोटी, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट था, ये डाल के इसको भूनूंगी अच्छी तरह से 5 मिनट, ताकि इनको भूनती रहूँगी मैं अच्छी तरह से, ताकि लहसुन भी भून जाए और हरी मिर्चें भी अच्छी तरह से भूनते, इनका टेस्ट अच्छा आ जाए। इसमें लहसुन अच्छी तरह से भून जाए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें ये जज़्ब हो जाए मटन में। आज स्पेशल मटन बना रही थी बच्चों को, छुट्टी का दिन था, मैंने कहा बच्चे खा के खुश हो गए, बहुत मज़े से और शौक से खाएंगे। हर तरह के लोग बनाते हैं, सबका अपना अपना टेस्ट, हर तरह का जायका होता है, और मैं इस तरीके से बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। ये जी मैंने जो जो प्याज फ्राई किए थे इसको मैं मोटा मोटा हाथों से मिसल लूँगी, तो इसको मैंने इसी में डालूँगी, आप बताऊँगी इस स्टेज में मैं डालना है। ये इसको मैं हाथों से अच्छी तरह से चूरा चूर कर दूँगी इन प्याज को, इसको आपको ग्राइंड में ग्राइंड नहीं करना, इसको आपने इसी तरह हाथों से करा करें, क्योंकि इस तरह मोटा मोटा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। अगर चाहे तो आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, उसमें हरी मिर्चें वगैरह डाल के, हरी मिर्चें मैंने पहले डाले, हरी मिर्चें डाले, दही डाले और इसको डाले, और ग्राइंडर में आप इसको मिक्स कर सकते हैं, ऐसे भी पका सकते हैं। ये जी अच्छी तरह से भुन चुका है ये, अब इसमें मैंने ये मसाले रखे हुए थे सारे ऐड कर दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह जो जो था, जो आप और डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये जी मैंने इस तरह इसमें सारे डाल दिए, अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी ताकि अच्छी तरह से मसाले भुन जाए इसमें।
आप इसमें हाँस फ्लेवर करने के लिए ये सीख कबाब मसाला और एक कौरमा मसाला मैं दोनों में बीच में मिक्स करूँगी और दही में इनको मिक्स कर लूँगी। दही में मिक्स करने से ये होता है कि दही में तो दही का जायका अच्छा हो जाता है, दही फटता नहीं है, वाइट फट नहीं नज़र आता और इस तरह ये बहुत मज़े का पक जाता है, इसमें बहुत टेस्टी आ जाता है, बीच में मसाला भी मिक्स हो जाता है और सूखा जो मसाले है वो जलते भी नहीं है भूनते हुए। अब ये जो दही है मैं इसमें डाल दूँगी, सारा ऐड कर दूँगी। ये पाव के करीब दही था, इसमें आप चाहे तो दूसरे मसाले भी ऐड कर सकते हैं, तो जायफल जीरी वगैरह मैं वो भी डालती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसका जायका और टेस्ट अच्छा होता है, जो छोटे गोश्त की जो स्मेल होती है जायफल जीरी से वो ख़त्म हो जाती है, इससे वो उसकी स्मेल वगैरह नहीं आती जो महसूस होती है। आप इसमें जी मैंने ये जो हाथों से अच्छी तरह से किया था इसको मैं इसमें डालूँगी, थोड़ा सा इसको भूनूँगी, तेज़ आँच पर भूनूँगी इनको मैं अच्छी तरह से। अब इसमें जी मैंने तीन चार टमाटर थे दरमियाने साइज़ के वो डाल दूँगी और थोड़ा सा इनको भूनूँगी ताकि इनका पानी खुशक हो जाए, इसका टमाटर भी गल जाए अच्छी तरह से और पानी भी खुशक हो जाए। थोड़ा सा टमाटर को मैं भूनूँगी अच्छी तरह से, ये देखें जी माशाल्लाह ये टमाटर से काफ़ी भुन चुके हैं और ये इसका आयल छोड़ दिया इन्होंने, तो बाकी टमाटर जो है उसमें पकने में ढल जाएंगे सारे, तो इनको मैं अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। सूखी मेथी भी मैंने इसमें डाली थी, सूखी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, उसका बहुत ज़्यादा जायका और टेस्ट आता है। अब जी प्रेशर कुकर को मैंने अच्छी तरह से भून लिया, ये सब कुछ प्रेशर कुकर में पानी डाल के इसको बंद कर दूँगी, 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी मैं, तो ये छोटा गोश्त जल्दी गल जाता है, इसमें आयल हो तो गोश्त में बहुत जल्दी गल जाता है। ये देखिए जी माशाल्लाह ये अब तैयार हो चुका है और प्रेशर कुकर को मैंने खोला तो ये देखिए माशाल्लाह गोश्त गल चुका हुआ है, अब इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, ये आयल छोड़ जाएगा तो हमारा कौरमा तैयार होगा। अब इसको मैं इसको ये देखें जी अब इसमें मैं थोड़ा सा केवड़ा जो है वो उसके 5-6 कतरे डालूंगी, केवड़ा जो होता है ये इसमें बहुत अच्छा टेस्ट और जायका देगी, वो सालन के जैसा टेस्ट करता है, बहुत मज़ेदार है। थोड़ा सा धनिया डालूंगी, बाकी धनिया मैं गार्निश अब इसे मैं डालूंगी तो डिश अब करूँगी तब आप इसमें मैं डालूँगी उसको सजाने के लिए ऊपर से। देखें जी अब ये बन चुका है और आप इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको, बहुत मज़े का टेस्टी का और नाश्ते में बच्चों को बना के दिया था मैंने, नाश्ते में बच्चे खाएंगे खुश भी हो गए और मज़ा भी आएगा इन्हें, तो फजूल अंडे वगैरह चीज़ों से खाने से बेहतर है कि बंदा ये सालन सुबह के टाइम नाश्ते में ब्रेकफास्ट में खाए तो बच्चे भी खुश होते हैं और तकरीबन वो बच्चों को उठते हुए 2 तो बज ही जाते हैं, दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए बेहतर है कि दोपहर के खाने के टाइम बंदे को बच्चे को इस तरह का बंदा ब्रेकफास्ट सालन में कोई ऐसी चीज़ बना दे। ये देखेंगे माशाल्लाह कौरमा तैयार है और आप इसको मैं आपकी इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी जो मैं इसको सजा के आपको बाद में दिखाऊंगी किस तरह का ये लगता है। सुबह का टाइम था, सुबह सुबह मेरे ख्याल में सुबह के ये तकरीबन 9 बजे थे जब ये मैं पका रही थी। हड्डी लाजमी डाला करें क्योंकि हड्डी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसी की वजह से गोश्त का मज़ा और होता जाता है। और ये जी माशाल्लाह ये तैयार हो चुका है, मैं इसको इसमें मैंने ऐड डाल दिया ये मसाला वगैरह सारा, और गार्निश करके आपको मैं दिखाती हूँ ये फाइनल लुक में किस तरह का लगता है। और आपको ये पसंद आए तो लाजमी मुझे बताए, लाइक कमेंट कीजिएगा और आपको इसको मैं ये देखिए जी इसके ऊपर आप मैंने इसके ऊपर ये अदरक भी सी कुटी काटी हुई थी ये मैं डाल दूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दूँगी, ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। ये हमारा कौरमा तैयार है, बहुत मज़ेदार टेस्टी किस्म का, और ये ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बच्चों के लिए बनाया और बच्चे खा के खुश हुए थे काफ़ी, उन्हें मज़ा आया था। आप भी बनाइएगा इस तरह से, आपको भी पसंद आया तो लाजमी मुझे बताइएगा। ये ऊपर से मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी थोड़ी सी,
ये देखें जी माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक देखिए कितना मज़े का और टेस्टी बना है, और बच्चों ने भी खाया, खूब इंजॉय किया, बहुत मज़े का से लगा। आप भी बताइएगा कैसे लगा। और ये जी देखें माशाल्लाह कितना मज़े का और टेस्टी लग रहा है। ये देखिए जी पराठे के साथ मैंने इसके साथ खा रही हूँ, और आपको मेरी रेसिपी पसंद है लाजमी बताएगा। तब तक अगली रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होगी। खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।